गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर सिक्स्थ चैप्टर एंड पार्ट थर्ड. इन पार्ट फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव डिस्कस सो मेनी थिंग्स लाइक सब्ट्रैक्शन, एडिशन, एंड नाउ इन थर्ड पार्ट वी हैव गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू स्टोरी प्रॉब्लम्स. स्टोरी प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स. इसमें प्रॉब्लम्स ये आती है कि जब हम स्टोरी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने लगते हैं तो हमें ये नहीं पता लगता है कि इसमें हमने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन. तो हम इस चैप्टर में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. और इसको रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस की हिंदी पता होनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमें पता लग पाएगा कि हमें इसमें करना क्या है, ठीक है. सो लेट्स डिस्कस ओवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर सोल्ड 85 eggs ऑन मंडे एंड 63 eggs ऑन ट्यूसडे. हाउ मेनी eggs डिड ही सेल इन 2 days. इसमें हमसे पूछ रहा है कि एक शॉपकीपर, शॉपकीपर मीन्स दुकानदार जो वस्तुएं बेचता है, एक शॉपकीपर है, सोल्ड मीन्स बेचना, 85 eggs, 85 eggs को वो बेचता है मंडे को, ठीक है. 83 eggs जो अंडे हैं वो ट्यूसडे को बेचता है. हमें ये बताना है हाउ मेनी, हाउ मेनी मीन्स कितने, हाउ मेनी eggs मतलब अंडे उसने कितने 2 days में सॉल्व किए, यानी 2 दिनों का पूछ रहा है, यानी 2 days टोटल हमने कितने सॉल्व किए. जब भी टोटल संख्या पूछी जाए तो वहाँ पर हमेशा हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन मंडे, कि शॉपकीपर ने मंडे को कितना सोल्ड किया, 85 eggs. शॉपकीपर सोल्ड एग्स ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को उसने कितना सेल किया था, 63 eggs. तो हमें बताना है 2 days में उसने कितना सेल किया, 2 days सेल बताना है, तो यानी एडिशन करना है, तो हम इसे एडिशन कर देंगे. चलो 5 में 3 ऐड किया तो 8 हो जाएगा, 8 में 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14. तो उसने 2 days में 1,4800 eggs जो है वो सॉल्व किए, ठीक है. तो इस तरह से स्टोरी प्रॉब्लम्स को समझने पे हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है. और सेकंड क्वेश्चन इज देयर आर 386 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल. एक स्कूल में 386 स्टूडेंट है. ऑन अ रेनी डे, रेनी डे मीन्स बारिश का मौसम, बारिश का मौसम था, बारिश हो रही थी, तो 154 स्टूडेंट्स वर एबसेंट, कि 154 स्टूडेंट जो वो एबसेंट हो गए. हमें बताना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, कि उस दिन कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है. ये तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि जब आप स्कूल में जाते हो, रेनी डे होता है, नहीं आते हो, तो कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे नहीं आते हैं, तो हमारे टोटल में से जितने बच्चे एबसेंट हो गए निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने प्रेजेंट बच्चे हैं. तो हमने इसमें यही करना है, ठीक है. तो टोटल स्टूडेंट कितने थे स्कूल में, 386, और एबसेंट कितने थे, 154. तो टोटल में से हमने 154 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, पता है ना, निकालना है, तभी हमें प्रेजेंट की संख्या पता लग जाएगी, काउंटिंग पता लग जाएगी. तो हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 4 को निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2. 8 में से 5 को निकालेंगे, 3. 3 में से 1 को निकालेंगे, 2. यानी टोटल स्टूडेंट्स उस दिन कितने प्रेजेंट थे, 232 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओवर थर्ड क्वेश्चन इज अ बास्केट हैज़ 144 फ्लावर्स. एक बास्केट में 144 फ्लावर्स है, फ्लावर्स मीन्स फूल. एंड अनदर बास्केट हैज़ 52 फ्लावर्स, और दूसरे बास्केट में, बास्केट मीन्स टोकरी, टोकरी में कितने, 52 फ्लावर्स. हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन बोथ द बास्केट, कि कुल फ्लावर कितने हैं, दोनों बास्केट में फ्लावर्स कितने हैं, यानी इट्स मीन ऐड करना है. तो ए बास्केट हैज़ फ्लावर्स 145 फ्लावर्स, अनदर बास्केट हैज़ 52 फ्लावर्स. तो टोटल क्या हो जाएगा, यानी ऐड कर देंगे, तो 5 पे 2 ऐड करेंगे 7, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, तो 1. तो 197 फ्लावर्स टोटल बास्केट में थे. हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इज ए कार्टून बुक. ये कार्टून बुक देख रहे हो ना, ये कार्टून बुक जिसमें कार्टून छपे होते हैं. तो एक कार्टून बुक हैज़ 96 pages, एक कार्टून बुक में 96 pages है. एंड अनदर बुक हैज़ 85 pages. हाउ मेनी पेजेस आर इन बोथ द बुक्स, जैसे आपकी बुक्स में पेजेस होते हैं ना, तो एक बुक में जो है कार्टून बुक में 96 pages है और दूसरे बुक में 85 pages है. तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताइए दोनों बुकों में कितने पेजेस है. जब मैं टोटल पूछ रही हूँ कि दोनों बुकों में कितने, इट्स मीन इसको ऐड करना है, बोथ पूछा है ना, बोथ द बुक्स, इट्स मीन ऐड करना है. तो इसको हम ऐड कर देंगे, हम लिखेंगे ऐसे, एक कार्टून बुक हैज़ पेजेस 96,
अनदर बुक कार्टून बुक हैज पेजेस 85, बोथ बुक्स हैव पेजेस, दोनों पेजेस कितने होंगे तो इसे ऐड कर दें। सिक्स में फाइव को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिक्स और फाइव में ऐड किया 11 आएगा, कितना आएगा 11, यानी कैरी वाला सम आ गया। टू है ना, वंस और टेंस वाली वैल्यू, जब वंस और टेंस वैल्यू आ जाए तो वह कैरी वाली होती है ना, तो यहाँ पर वंस की वैल्यू हम यहाँ और टेंस की वैल्यू किस में चली जाएगी, कैरी में। तो वन कैरी में गया, नाइन में वन ऐड किया 10, 10 में एट ऐड किया 18, तो 181 पेजेस जो थे वो टोटल बुक्स में थे। ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज कविता हैज़ 473 रुपीज़, एंड कविता के पास 473 रुपीज़ है, मनीष के पास 250 रुपीज़ है, हाउ मेनी मोर रुपीज़ डज कविता हैव देन मनीष। इसमें हमसे पूछा गया है कि कविता के पास इतने पैसे हैं, मनीष के पास इतने हैं, कि कविता के पास मनीष से कितने ज़्यादा पैसे हैं, यानी हमें बताना है कितने। जैसे आप भी हो, आपके पास 50 रुपीज़ हैं, आपके सिस्टर के पास 20 रुपीज़ हैं, तो मैं पूछूं आपके पास कितने ज़्यादा हैं आपके सिस्टर से, इट्स मीन सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने 473 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 3 में से 0 को निकालेंगे 3, 7 में से 5 2, 4 में से 2 2, 223 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन इज इन अ विलेज देयर आर 251 मैन, कि एक विलेज में 251 मैन हैं, 234 वोमेन हैं एंड 23 चिल्ड्रन हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन अ विलेज, कि टोटल कितने हैं विलेज में, टोटल पूछ रहे, इट्स मीन ऐड करना है। तो हमने इसे ऐड करना है, 4 में 3 ऐड किया 718, 3 में 5 ऐड किया 8, 224 688, यानी उस विलेज में 688 पीपल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो रिलेटेड थे हमारे स्टोरी प्रॉब्लम से, जिससे हमें पता, अगर हमें क्वेश्चंस की हिंदी पता तो हम इजीली बता सकते हैं कि एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, इसे आप अच्छी तरह से बार बार वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू, डेट्स ऑल।